राम मंदिर निर्माण के संकल्प के लिए बजरंग दल ने उठाई कावड़। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के संकल्प के साथ बजरंग दल द्वारा एक विशाल कावड़ उठाई गई। पूरी तरह से राम मंदिर के स्वरूप में ढली इस कावड़ को हरिद्वार से मेरठ तक बजरंग दल मेरठ द्वारा ले जाई जाएगी। बजरंग दल के मेरठ प्रांत संयोजक बलराज ढूंगर ने बताया कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर हम वचनबद्ध हैं। इस बार हरिद्वार से मेरठ तक कावड़ यात्रा करके ये संकल्प लिया जाएगा, राम मंदिर का निर्माण अति शीघ्र हो। उन्होंने कहा कि हम मां गंगा की गोद में आकर भगवान शिव से प्रार्थना करने आए हैं कि वो राम मंदिर निर्माण को सकुशलता से पूर्ण करवाए। बजरंग दल के प्रदेश सह संयोजक अनुज वालिया ने कहा कि उत्तराखंड बजरंग दल इस महान कावड़ यात्रा को पूरी करवाने के लिए पूरा बजरंग दल जगह जगह मुस्तैद है तथा पूरी कावड़ यात्रा को बड़ी सकुशलता से प्रदेश की सीमा तक पहुंचाया जाएगा। हरिद्वार से अरुण कश्यप की रिपोर्ट। राम मंदिर दुनिया की आस्था का केंद्र है, दुनिया में जितने भी हिंदू रहते हैं सबकी आस्था का केंद्र है, और कावड़ में करोड़ों लोग कावड़ लेके आते हैं, पर वो अपने संकल्प को लेके, अपने परिवार के संकल्प को लेके आते हैं। ये मेरठ के बजरंग दल के कार्यकर्ता भगवान राम के मंदिर के संकल्प को लेके निकले हैं और दुनिया के आस्था के सपने को साकार करने निकले हैं। ये अर्जी निकाले लगाई है भगवान के चरणों में, गंगा माता के चरणों में, कि राम मंदिर के सामने जितनी भी अड़चने हैं वो दूर हो और भव्य राम मंदिर अयोध्या में बने, और बजरंग दल उत्तराखंड इनका भव्य स्वागत विभिन्न स्थानों पे करेगा, पूरी इस यात्रा की सुरक्षा की जिम्मेदारी करेगा और सभी व्यवस्थाएं पूर्ण बजरंग दल करेगा। उत्तराखंड सारी स्वागत की तैयारियों में लगे हुए हैं, कार्यकर्ता विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा और भोजन की और स्वागत की तैयारियों की व्यवस्था है। ये जो बजरंगी भगवान राम के इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए लिख रहे हैं ये सफल होगा। आज गंगा के तट से जितने संकल्प हुए हैं वो सब पूर्ण है। आज भी ये संकल्प लेके बजरंगी निकले हैं, जो गंगा मैया भगवान राम और शंकर जी इसे पूर्ण करेंगे, यही विश्वास के साथ साथ हम लोग इनके साथ। तो मैं हरिद्वार के अंदर माँ गंगा में गोता लगाया, भगवान शिव की आराधना की। मैं तो भगवान शंकर की सरकार के यहाँ निवेदन करने आया हूँ, जो उन्हीं सरकारों को चलाने वाले हैं, मैं उस सरकार को अर्जी लगाने आया हूँ कि बाबा जब राम जी ने और लंका पर विजय प्राप्त की थी तब भी आपकी आराधना की थी, अब तो सब्र का बांध टूट चुका है, अब तो राम का मंदिर दे दो बाबा, अब तो राम का मंदिर दे दो। द्वारा जो ये राम मंदिर के मॉडल की जो कांवड़ ले जाए, इसके पीछे क्या उद्देश्य है आपका? इसके पीछे का साफ और बिल्कुल स्पष्ट उद्देश्य है कि अब मेरा भगवान टेंट में नहीं रहेंगे, हम सब लोग और वातानुकूलित और व्यवस्थाओं में रहते हैं, लेकिन मेरा भगवान और टेंट के मंदिर में रहेगा ये आज हिंदू समाज को स्वीकार नहीं है, अब तो राम का मंदिर ही चाहिए और इसी मॉडल का चाहिए और शीघ्र से शीघ्र चाहिए। ये मेरी मांग नहीं, ये इस देश के साधु संतों की मांग है, इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं की मांग है, और 100 करोड़ हिंदू आज इस देश में राम का मंदिर नहीं बनवा पा रहे। आज देश के अंदर और दुनिया का पर एक सपना है कि शांति होनी चाहिए, लेकिन कैसी शांति? क्या राम के बिना शांति मिलेगी क्या? क्या राम के मंदिर के बिना शांति मिलेगी क्या? क्या देश के अंदर और एक दुनिया के अंदर बताया जाता है कि इस्लाम शांति का दूत है, इस्लाम शांति देने वाला एक धर्म है, लेकिन मेरा इसके पीछे मानना कुछ